हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सीबीडीटी चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बोला हुआ है कि बहुत सारे नॉन फाइलर, मतलब जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, उनको नोटिस भेजा जाने वाला है। अब ये जो नॉन फाइलर हैं, इसमें से ज्यादातर लोग जिनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है फिर भी आईटीआर फाइल नहीं किया गया, वो लोग हैं। लगभग देखिए 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका टीडीएस डिडक्ट हुआ था फिर भी आईटीआर फाइल नहीं किया गया। तो उन लोगों को नोटिस जाएगा और उनको कहा जाएगा कि आईटीआर आप फाइल करिए, या तो आप रीजन बताइए क्यों आपने आईटीआर फाइल नहीं किया। देखिए, नॉर्मल केसेस में अगर 2.5 लाख से ऊपर आपका इनकम जाता है, आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, और टीडीएस डिडक्ट हुआ है तब तो आपको आईटीआर फाइल ही करना चाहिए, क्योंकि टीडीएस रिफंड आप क्लेम कर सकते हो, आपका फायदा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। अब जब इनको नोटिस जाएगा तो ये अपडेटेड आईटीआर फाइल करेंगे। अपडेटेड आईटीआर का कुछ दिन पहले ही डेटा आया था कि लास्ट 2 साल में 56 लाख अपडेटेड आईटीआर फाइल हुए, जिसमें 4600 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिले हैं। अब इस 4600 करोड़ में से देखिए, बहुत सारे लोगों ने लापरवाही किया, जिसकी वजह से लेट फीस वगैरह, एडिशनल इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह देना पड़ा था। अगर समय से पहले आईटीआर फाइल कर देते तो ये इतना अमाउंट गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। ऊपर से जो 1.5 करोड़ लोग, इनको अब नोटिस जाएगा, इन लोग जब पे करेंगे, आईटीआर भरेंगे अपडेटेड, तो ये जो संख्या है और बढ़ जाएगा, टैक्स का अमाउंट है ये भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर से देखिए, टीडीएस इनका डिडक्ट हुआ था, वो टीडीएस अब क्लेम भी नहीं कर सकते हैं अपडेटेड आईटीआर में। अब देखिए, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने से रिलेटेड भी न्यूज आया था कि 600 करोड़ का पेनाल्टी गवर्नमेंट ने वसूला हुआ है। किससे वसूला हुआ है? जिन्होंने अपना आधार और पैन कार्ड लेट से लिंक किया हुआ है। अब काफी समय गवर्नमेंट ने दिया हुआ था, फिर भी लोगों ने अपना पैन आधार लिंक नहीं किया। जब उनको जरूरत पड़ा तब वो भाग दौड़ भी किए और लेट फीस भी दिए, उसके बाद उन्होंने लिंक करवाया। लेकिन जब समय था, फ्री में हो रहा था, तब उनके पीछे हम पड़े थे कि करवा लो, तब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इंटरेस्टिंग बात आप देखो कि 11.5 करोड़ से ज़्यादा पैन कार्ड अभी भी ऐसे हैं जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो इनको फ्यूचर में जब काम आएगा, लिंक करने जाएंगे तो पेनाल्टी भरेंगे। तो ये जो पेनाल्टी 600 दिखाई दे रहा है, ये फ्यूचर में चलकर 6000 करोड़ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही सजेशन है कि समय से आप अपने सारे कंप्लायंस कंप्लीट करिए। लेट फीस, एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल पेनाल्टी हमें क्यों देना है? इससे अच्छा है कि ड्यू डेट से पहले हम अपना काम ही खत्म कर लें। ड्यू डेट के बाद भी आपको वही काम करना होता है, इससे अच्छा है कि ड्यू डेट के पहले ही कर लो।